हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समृद्ध क्लासेस। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि ये जो दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है? जीरो निकालना है। जीरो क्या होता है? इसका हम पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारा जीरो ही निकल के आएगा। ठीक है, जीरो के इक्वल रखेंगे जब वैल्यू निकलेगी। फिर कह रहा है द वेरीफाई एंड द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशियंट। और फिर वेरीफाई करके दिखाना है किसका, जीरो और कोफिशियंट का रिलेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो गया, वन हो गया, और एक्स का माइनस टू, और ये क्या है हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है। तो कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, माइनस एट, ये दे रखा है। तो फर्स्ट तो हमें करना है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसको हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो, जब वन से हम एट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले को, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एट, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें ऐसे दो पेयर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आए माइनस का एट। ठीक, और ये साइन देखो, ये माइनस का है ना, तो उन दोनों को तब माइनस करे तो आना क्या चाहिए, टू। साइन नहीं देखना, ये वाला देखना, ये टू आना चाहिए। यानी कि साइन तो ये देख के चलेंगे कि माइनस करे तो क्या आए, टू आए। तो क्या होगा, फोर माइनस टू, टू हो गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये साइन माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। इसकी जगह हमें क्या लिखना है, जो ये दो पेयर लेके चले थे ना वो वाला, फोर एक्स माइनस का टू एक्स, और फिर ये एज इट इज हो जाएगा। इब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और माइनस एट। इब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स आ जाएगा। फोर नहीं ले सकते क्योंकि इसका और हमारे साथ डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक्स ही डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों को, तो एक्स हो गया। तो यह क्या बच जाएगा, टू एक्स था, टू टाइम था ना, एक टाइम हमने बाहर ले लिया, तो ये बच गया एक्स माइनस, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल, फोर आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, टू आ जाएगा, क्योंकि टू वन जा टू, टू फोर जा एट, तो एक्स माइनस फोर। ये जो दोनों आएंगे ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं पे गड़बड़ कर रखी है। तो और साइन भी दोनों का सेम होना चाहिए, जो ये साइन लगेगा ये इन दोनों का कंपेयर करके लगेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो एक्स माइनस का हो गया ना, ये माइनस का फोर। ठीक, और यहाँ पे लगेगा वो जो इसके आगे होगा वो वाला साइन। अब जो ये टू टाइम दे रखा है तो वन टाइम कर देंगे एक्स माइनस फोर, और एक्स को इसके साथ लिख देंगे एक्स प्लस टू। अब वो कह रहा है कि जीरो फाइंड करना है, तो हम इसको भी जीरो के इक्वल रख देंगे और इसको भी जीरो के इक्वल। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की, क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो इस साइड आएगी नेगेटिव। अब जो एक्स की जो दो वैल्यू निकल के आई है उसको हम एक लेट कर लेंगे, अल्फा हो गया, और दूसरा क्या निकल के आया, बीटा। अब वो कह रहा है कि वेरीफाई करके दिखाओ रिलेशन को, कोफिशियंट और जीरो के रिलेशन को। तो यहाँ पे पहले कोफिशियंट लिख लिया, ए की वैल्यू क्या है, अभी मैंने बताया था ऊपर, वन है, बी क्या हो गया, माइनस का टू, साइन लेके चलना है, और सी क्या हो जाएगा, माइनस का एट। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो कह दो, या अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो भी सम ऑफ द जीरो, क्योंकि जीरो हमारा ये है जिसमें से एक अल्फा और एक बीटा, तो जीरो को प्लस कर दिया तो ये होगा माइनस का बी बाई ए। तो बी की वैल्यू ये दे ही रखी है यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू फोर थी, प्लस का साइन है, लेकिन बीटा हमारे पास नेगेटिव में है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव ये रहा और नेगेटिव ये दे रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बाई वन। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनका रिलेशन निकालना है तो ये इक्वली निकल के आएंगे हमारे, ये हो गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि जीरो क्या था, अल्फा और बीटा था, इन दोनों की हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो ये होता है सी बाई ए, ये फॉर्मूला है सी बाई ए, सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, ये क्या है माइनस का एट, यहाँ रख दिया, अल्फा था फोर और बीटा माइनस टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट, ये दोनों भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये निकालना था। अब सेकेंड क्वेश्चन पार्ट क्या दे रखा है, फोर एस स्क्वेयर माइनस फोर एस प्लस वन। तो ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फोर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का वन। अब ऐसे दो पेयर लेंगे कि दोनों को क्या करें, प्लस करें, तो क्या आना चाहिए, ये एस वाला। ठीक है, तो टू टू जब फोर हो गया, और टू फोर होता है, लिख दिया, माइनस का साइन है, ये यहाँ पे लगा दिया। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, टू और टू, जो दो पेयर बनाए थे वो वाले, तो टू एस प्लस वन। अब इन दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस वन, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक तो एस भी आएगा क्योंकि एस इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, एक टू भी हो जाएगा, टू इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी कर देगा, तो टू एस हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो, और एस एस करेगा तो एक एक्स, यहाँ पे तो पूरा कॉमन ही ले लिया, वन हो गया। यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो वन तो हर एक में से आएगा, तो हो गया वन, किसी में भी कुछ कॉमन नहीं होता तो वो वन कॉमन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एस, मैंने बताया था दोनों का कंपेयर करके यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, एज इट इज़ है ना, तो ये
टू टाइम है, वन टाइम लिखते हैं यहाँ पे। अभी इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये आ गया। अब इसको जीरो की इक्वल रख लेंगे, इसको भी जीरो की इक्वल रख लेंगे, तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू, वन बाई टू। तो यहाँ पे देखो अल्फा हो गया वन बाई टू, बीटा क्या हो गया वन बाई टू। अब निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो। तो पहले यहाँ कोफिशियंट लिख लेते हैं, ए इक्वल टू फोर, बी इक्वल टू माइनस का फोर, और कॉन्स्टेंट सी होता है, ये हो गया। तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास वन बाई टू थी, तो वन बाई टू प्लस बीटा वन बाई टू कर दिया। यहाँ पे माइनस बी बाई ए, देखो बी की वैल्यू क्या है, माइनस की ये रखी और माइनस फोर बोले, प्लस प्लस हो जाएगा ये, माइनस माइनस करेंगे तो। और ए की वैल्यू दे रखी है फोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फोर बाई फोर। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा टू, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करेंगे फोर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बाई टू, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वन आ जाएगा, तो ये हो गया वन, तो ये हो गया वन। तो दोनों की आंसर सेम आ गए। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये होता है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या हमारे पास वन है, और ए की वैल्यू फोर, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन ही आएगा, और टू टू जा फोर, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब आता है थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, यानी कि पहले तो देखो एक्स स्क्वायर है, फिर कॉन्स्टेंट दे दिया, लेकिन होना क्या चाहिए, बी होना चाहिए, यानी कि एक्स होना चाहिए ना, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स और माइनस थ्री, तो सिक्स को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू माइनस थ्री माइनस एटीन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों को माइनस करें, यानी कि जो दो पेयर लेंगे उन दोनों को क्या करना है, ये वाला साइन देखो माइनस है, तो दोनों को माइनस करें तो क्या आना चाहिए सेवन, तो नाइन में से टू माइनस करेंगे सेवन हो जाएगा, और नाइन टू जा आ गए ये भी, तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, नाइन एक्स, ठीक है, ये क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव टू एक्स और माइनस का थ्री, ये हो गया। अब ओपन करेंगे तो माइनस का नाइन एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ये हो गया। इवन दोनों में से कॉमन कौन आएगा, थ्री दोनों को डिवाइड भी करेगा और एक्स भी करेगा, तो थ्री एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, इवन दोनों में से वन कॉमन आ जाएगा, तो टू एक्स नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव थ्री हो गया। टू टाइम है वन टाइम, तो थ्री टू एक्स माइनस थ्री, और देखो इसको इसके साथ थ्री एक्स प्लस वन, तो इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये इस साइड जाएगी माइनस की हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देगा, ऐसे ये नेगेटिव इस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये टू इसको डिवाइड कर देगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन बाई थ्री, और बीटा थ्री बाई टू। अब इसको निकालेंगे कॉन्स्टेंट और निकालो, तो ए की वैल्यू क्या है सिक्स, और बी की क्या हो गई माइनस सेवन, और सी क्या हो गया माइनस का थ्री। तो पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा है माइनस वन बाई थ्री, बीटा दे रखा है थ्री बाई टू, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और माइनस साइन ये है और माइनस का बी ऑलरेडी दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस सेवन बाई सिक्स हो जाएगा, इन दोनों कैल्शियम आएगा तो यह आ जाएगा माइनस का टू प्लस नाइन यानी कि सेवन बाई सिक्स, ये दोनों हो गए इक्वल। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए अल्फा माइनस वन बाई थ्री इंटू थ्री बाई टू बीटा, और सी की वैल्यू माइनस थ्री बाई ए की वैल्यू सिक्स ही होगी, थ्री टू कैंसिल माइनस वन बाई टू, और इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस वन बाई, ठीक है। फोर्थ पार्ट है फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, अब इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम और यहाँ पे देखो कॉमन ले लेंगे सीधा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए कॉन्स्टेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा फोर भी आएगा और यू भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा यू, और फोर इसको डिवाइड करेगा तो टू, तो एक बार तो फोर यू को जीरो के इक्वल रखेंगे और यू प्लस टू को इक्वल जीरो के, तो ये इसको डिवाइड करेगा और ये ऐसा आएगा माइनस, तो यू इज इक्वल टू जीरो और यू इज इक्वल टू माइनस का टू, तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो और बीटा इज इक्वल टू माइनस टू। अब यहाँ से कॉन्स्टेंट वो कोफिशियंट निकालेंगे तो ए की वैल्यू फोर, बी की वैल्यू एट, और सी तो दे ही नहीं रखा, तो वो क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि जीरो कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो वो क्या रख लेंगे जीरो रख लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू एट है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस का ही रहेगा एट बाई फोर, ए की वैल्यू है ना ये, और अल्फा जीरो है बीटा माइनस टू है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी प्लस करना है, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का ही होगा, और ये यहाँ पे माइनस टू। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, तो जीरो इंटू माइनस टू, सी की वैल्यू जीरो दे रखी है, जीरो बाई टू जीरो, ठीक है। अगर किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी जो भी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। पांचवा पार्ट दे रखा है टी स्क्वेयर माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल रख लेंगे, देखो इसमें क्या नहीं दे रखा था, कॉन्स्टेंट नहीं दे रखा था, यानी कि सी की वैल्यू नहीं थी, और इसमें क्या नहीं दे रखा, बी की वैल्यू नहीं दे रखी,
तो सीधा ही हम माइनस का है उसको जीरो साइड लेके चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो टी स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटके दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर चेंज हो जाएगा ना, तो ये इस पर रूट लग जाएगा। तो ये जो स्क्वायर में होगी तो दो वैल्यू निकल के आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जो रूट 15 होगा वो एक नेगेटिव में आएगा और दूसरा पॉजिटिव के अंदर आएगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, एक नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, ठीक है। बी, बी दे नहीं रखा तो 0, जैसे ऊपर वाले में सी नहीं दे रखा था तो 0 था, बी नहीं है तो 0, और सी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट माइनस का 15, ये दे दी। अब क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम हो, 0 इन दोनों की प्लस होती है माइनस बी बाई ए, तो माइनस 15 रूट और प्लस 15 रूट, एक नेगेटिव पॉजिटिव 0 और बी की वैल्यू 0 बाई 0, ये 0 होगा। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, तो ये क्या होगा माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। देखो जब रूट के अंदर सेम हो तो रूट कैंसिल हो जाता है, वन टाइम हम इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस का, और यहाँ पे क्या होगा सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है माइनस 15, और ये दे दिया माइनस 15। ए की वैल्यू 1 लिखो है ना, तो लिखो डिवाइड में, बट जब न्यूमिनेटर होगा तो 1 लगेगा, डिनोमिनेटर होगा तो 1, कोई वैल्यू नहीं इसकी, ठीक है। सिक्स पार्ट क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो 3 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। अब क्या करेंगे, आगे क्या बताया था मैंने कि माइनस करें दोनों पेयर को तो क्या आना चाहिए, ये वाला इसका कोफिशियंट, तो इसका कोफिशियंट कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1, ठीक है। किसी का कोई भी नहीं होता तो वो 1 होता है, बट यहाँ पे वैल्यू ही नहीं होती x की तो वो 0 हो जाता है, ठीक। तो 4 माइनस 3 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, तो ये होगा माइनस का साइन लगाया, इसकी जगह क्या लिखेंगे 4, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे 3x, और माइनस का ये एज इट इज होगा। तो यहाँ पे ओपन करेंगे माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4, इवन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, क्योंकि 3 4 को नहीं कर सकता डिवाइड, 4 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, बट x x तो कर सकते हैं ना, क्योंकि x स्क्वायर और ये भी x है, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4, इवन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कोई सा किसी को नहीं कर सकता, यहाँ पे x नहीं है यहाँ पे x है तो 1 आ जाएगा, तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस माइनस माइनस का 4, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसको इसके साथ लिखेंगे 0, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगी 4/3, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू तो ये हो गई और बीटा की ये हो गई, अब क्या निकालेंगे, पहले कोफिशियंट लिख लेते हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 3, बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1, और सी क्या हो गया माइनस 4, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों का सम, तो ये क्या होगा माइनस बी बाई ए, 4/3 माइनस 1, माइनस क्यों लिखा लिख रखा हमने यहाँ पे, क्योंकि देखो बी की वैल्यू क्या है माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीटा की वैल्यू, तो नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव 1/3, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 और ये 1/3 है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का हो गया, और इसको करेंगे तो ये भी माइनस का। अब जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या पूछ रखा है इसने, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखो इसमें क्या करता है, फाइंड द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखे थे, इसमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताओ और इसका जीरो दे रखा है। गिवन द नंबर ऑफ द सम, फर्स्ट क्या दे रखा है सम, यानी कि यहाँ से निकालते थे ना सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये फर्स्ट दे रखा है सम, सेकंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और सेकंड क्या दे रखा है प्रोडक्ट, तो पहले सम दे रखा है तो ये हो गया सम ऑफ जीरो, दूसरा प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, तो वो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने का, वो क्या होता है एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनेगी, माइनस सम ऑफ जीरो, देखो सम ऑफ जीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा लिख सकती हूँ ना इसको, और इनटू लग जाएगा एक्स, तो या तो ये लिख दो फॉर्मूले के अंदर या इसको लिख दो, और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई, प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा प्लस इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो या तो ये लिख दो या तो ये हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी बन जाती है, और यहाँ से अगर इसको हटा दोगे अल्फा प्लस तो सम ऑफ जीरो इंटू एक्स, यहाँ से इसको हटा दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। तो फर्स्ट क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1, यही दे रखा था। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो एक्स के रेजिटीज, माइनस का साइन लगाया हमने, अल्फा प्लस बीटा 1/4 यहाँ रख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ, ये कर दिया और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है माइनस का, माइनस का मैंने लगा दिया,
अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, देखो माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस माइनस माइनस का वन। अब क्वाड्रेटिक पोल में जीरो की पोल रख दो तो इसको हम पहले एलसीएम ले लेंगे, तो फोर आ जाएगा यहाँ पर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो की इक्वल है ना, तो ये जीरो और फोर यहाँ से हट जाएगा, तो हमारी इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। सेकेंड क्या दे रखा है, रूट टू और वन बाई थ्री, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, वही फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये रख दिया, माइनस माइनस का साइन है ना, ये रखेंगे वैल्यू रूट टू, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ, ये कर दिया हमने, प्लस प्लस लगा दिया, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, जीरो के जोड़ दे, इन दोनों कैल्शियम रखेंगे तो थ्री, यहाँ आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का रूट थ्री। यहाँ पे देखो इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री रूट टू और प्लस वन, ये इसके साथ जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है, रूट वाला कभी भी जिसके साथ रूट नहीं है वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाहर रूट वाले के बाहर देखो क्या है, वन है, तो ये भी रूट के बाहर है और ये भी, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बार बार वाले के। थर्ड दे रखा है जीरो रूट फाइव, यानी कि ये सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे इक्वेशन पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स और प्लस रूट फाइव, जब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो, तो ये तो हट ही जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट दे रखा है माइनस वन बाई टू और वन बाई सॉरी वन माइनस वन बाई फोर और वन बाई फोर, ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है अल्फा इंटू बीटा वन बाई फोर, इक्वेशन पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का साइन होता है इक्वेशन में, तो ये नेगेटिव है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वन बाई फोर एक्स और प्लस वन बाई फोर, इन कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस का, ये इसको डिवाइड करेगा वन, को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वन इज इक्वल टू जीरो, ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वन को इसके साथ करेंगे ये एज इट इज रहेगा, फोर को करेंगे जीरो ही बन जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सिक्स्थ है फोर और वन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, फोर है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, वन दे रखा है, तो इक्वेशन पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जो अब कम्प्लीट हो गई है। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर कोई भी पॉलिनोमियल का कोई भी डाउट वगैरह है तो मेरी शॉर्ट वीडियो है, आप उसमें देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस माई वीडियो।